देहरादून में दिन दहाड़े स्कूल संचालक के घर लाखों की लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से लूट का सारा सामान और दो गाड़ियों सहित हथियार बरामद किए। लूट का यह मामला 11 अप्रैल का है, जहां देहरादून में 5 बदमाशों ने स्कूल संचालक के घर पर लाखों की लूट की। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था। पुलिस लगातार इन बदमाशों की तलाश कर रही थी, लेकिन ये बदमाश पकड़ में नहीं आ रहे थे। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने बदमाशों को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी के सामान के साथ साथ हथियार और दो गाड़ियां भी जब्त की। लुटेरे बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 8 टीमों का गठन किया था, जिन्हें देश के कोनों कोनों में भेजकर मामले की पड़ताल करने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान 450 के अधिक CCTV फुटेज भी खंगाले गए, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके। इस घटना में लगभग 8 लाख का जेवरात गए थे, वो रिकवर हो गया है। उस घटना में प्रयुक्त 2 वाहन अपाचे, एक मोटरसाइकिल है, दूसरा एक्टिवा, वो रिकवर कर लिया गया है। तमंचा 315 बोर का एक बरामद रिकवर कर लिया गया है। चाकू जो था वो भी हमने रिकवर कर लिया है। इसमें इस पूरी सरगना का जो इसका जो गैंग का सरगना है वो पिपिन है, ये लंगड़ा लंगड़ा जो चल लंगड़ा की चल रहा है वो व्यक्ति है, और यही सरगना है। इसने ही पूरी प्लानिंग करी। हुआ ये कि इसका जो विपिन का जो एक चचेरा भाई है गुड्डू, तो ये जो संदीप अग्रवाल है, ये एक स्कूल चलाते हैं, उस स्कूल में ये बंदा काम करता है, और संदीप के गुड्डू के माध्यम से इसने उसके परिवार के बारे में जानकारी करी। जानकारी करने के बाद तब इसने घटना इन्होंने एक गैंग बुला करके कारित किया है, और इस पूरी बहुत कम समय में इसको वर्कआउट करने के लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से जो है 20,000 का इनाम, और IG साहब ने भी जो है इनको अपने स्तर से 50,000 का जो है कैश अवार्ड की घोषणा की है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।